बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है, उजाले से दीक्षा 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 अपने दीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आप और सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि किसी न किसी तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हैं पुलिस के जवान, जिन पर आपके अमूल्य जीवन और आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने और देश के कानून को अमल में लाने का काम भी इन्हीं जवानों का होता है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए पुलिस के ये जवान अपराधियों और असामाजिक तत्वों से जूझने में लगे रहते हैं। हमारे आपके बीच के ही कुछ चुने हुए युवाओं को कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण देकर पुलिस के काम करने के लिए तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुभवी एवं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जवान जमीन की विभिन्न तरीकों की बाधाओं को पार करना सीख रहे हैं, ताकि जब अपराधी अपराध करके भागे तो ये जवान दौड़कर, खाई कूदकर, पतले रास्तों पर चलकर या फिर दीवार फांदकर तत्परता के साथ उन्हें पकड़ सकें। उछाल ऊपर पकड़, चार डान शुरू कर, एक दो चार, एक दो तीन चार पांच छह। इन्हें रस्सी पर चढ़ना सिखाया जा रहा है, जिससे अगर कभी नीचे की मंजिल पर आग लग जाए या पानी भर जाए तो आपकी मदद के लिए ये जवान रस्से के सहारे ऊपर आ सकें और आपको बचा सकें। अब ये लकड़ी का लंबा घोड़ा कूद रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ऊंची लंबी बाधा को दौड़कर पार कर सकें। प्रतिदिन के अभ्यास से शारीरिक क्षमता और चुस्ती फुर्ती आती है और साथ ही एक टीम के रूप में काम करने की भावना पैदा होती है।
ड्रिल के अभ्यास द्वारा जवानों में अनुशासन, स्वाभिमान, दृढ़ता एवं टीम भावना पैदा की जाती है। इसमें प्रशिक्षक के आदेश पर एक साथ सारे जवान एक ही कार्य करते हैं। आगे बढ़ेगा, पीछे धाने से। जवानों में बहादुरी और त्याग की भावना पैदा करने के लिए संगीत का भी उपयोग किया जाता है। राष्ट्रप्रेम, देश सेवा और वीरता की भावना बढ़ाने वाले संगीत द्वारा उनका मनोबल ऊंचा रखा जाता है। प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण उच्चाधिकारी स्वयं भी करते हैं। जवानों को आधुनिक असलहों से लैस कुख्यात अपराधियों का मुकाबला करने के लिए लाइट मशीन गन द्वारा फायर करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनमें शस्त्रों के प्रयोग की क्षमता के साथ साथ संतुलन एवं मानवीय दृष्टिकोण भी उत्पन्न किया जा सके और वे सच्चे जनसेवी बन सके। हमारी कट ऑफ पार्टीज किस रास्ते से कहां पर पोजीशन देंगी, जाने का रास्ता क्या होगा, हमारी ड्राइव पार्टी किस डायरेक्शन में ड्राइव करेगी, उसकी दिशा क्या होगी, वो पहले से मुकर्रर किया जाना चाहिए। इमदादी फायर यानी हमारे जो एडवांसिंग ट्रुप्स हैं, कट ऑफ पार्टी हैं, रिजर्व पार्टी हैं या ड्राइव सेक्शन है, इनको समय समय पर सपोर्ट फायर की जरूरत पड़ सकती है। आपके सामने जंगल इलाके का ये सैंड मॉडल है। अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके छिपने के स्थानों की जानकारी जवानों को होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सैंड मॉडल बनाकर ऐसे अड्डों की जानकारी दी जाती है। डकैती डालने के बाद इस इलाके में छिप जाते हैं। हमारा प्लाटून जो इस एरिया में लगा है वो इस इलाके का पेट्रोलिंग करेगा। डकैतों एवं आतंकवादियों से त्रस्त क्षेत्र में सतर्क नजर रखते हुए गश्त करना उनके प्रशिक्षण का अंग है। डाकुओं से मुठभेड़ भी इसी ट्रेनिंग का अंग है। ये है VLP फायर, जिसकी रोशनी से अपराधियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। मुठभेड़ के समय दूसरी पार्टी किस प्रकार डाकुओं को घेर कर मारती है, इसका प्रशिक्षण भी वास्तविक परिस्थितियां बनाकर देते हैं। अपराधियों पर अभियोजन के लिए इन्हें नियम एवं कानून की भी जानकारी दी जाती है। 106 द्वारा इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। प्रजा की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। आज का विषय है रोड होल्डअप और उसके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। जहां तक इसके कानूनी पक्ष का प्रश्न है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जा चुकी है। इस तरह पुलिस को जरूरत के हर काम का प्रशिक्षण देकर इन जवानों को आपकी सुरक्षा, सहायता और सहयोग के काम में लगाया जाता है। ये अपनी रातों की नींद गश्त करने में बिताते हैं, ताकि बाकी लोग चैन से अपने घरों में सो सकें। लेकिन ये तभी हमारी मदद कर पाएंगे जब हम और आप सभी इनके काम में यथासंभव मदद करें।